हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर संडे को हमारा एक स्पेशल सेशन रहता है और हर संडे को हम आपके जो रीट से संबंधित, एग्जाम से संबंधित जो आपके डाउट्स हैं, उन डाउट्स को डिस्कस करते हैं, उन डाउट्स को सोल्व करते हैं। आपके डाउट्स मुझे कमेंट्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो जैसा पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स में लेके आया था, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स, कुछ कमेंट्स हैं, उनको आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कमेंट ले रहा हूँ, ये है केवल सिंह जी। ये पूछ रहे हैं, सर मैं हरियाणा से हूँ, बीए में मेरे पास 3 ईयर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव नहीं है, बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्या मैं रीट में इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों, जो बीएमए जिनके पास 3 साल तक इंग्लिश सब्जेक्ट है और बीएड भी इंग्लिश सब्जेक्ट से की है जिन्होंने, वो इंग्लिश के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रीट की एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रेखा जी सांबरिया, ये पूछ रही है, हेलो सर, मैं ऑनर्स की स्टूडेंट थी, क्या मैं रीट के लिए योग्य हूँ? दोस्तों, चाहे आप ऑनर्स हो या आपने सिंपल बीए किया हो, बीएससी किया हो, अगर आपने बीएड कर रखा है या बीएसटीसी कर रखी है, तो आप रीट के लिए एलिजिबल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। विश्ना जी पूछ रहे हैं, सर ज्योग्राफी हिस्ट्री हिंदी से बीए किया हुआ है, एसएसटी में बीएड किया हुआ है, रीट में किस का एग्जाम दे सकते हैं? दोस्तों, जो बीए किया है जिन्होंने, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, कोई अगर आपके ये पूछ रहे हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री और हिंदी से बीए किया हुआ है, तो ये एसएसटी से फॉर्म भरेंगे और इनके बीए में हिंदी सब्जेक्ट भी है, तो ये आप जो है वो हिंदी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और एसएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो रीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। नेक्स्ट कमेंट है ललित पटेल जी, ये पूछ रहे हैं बीए एडिशनल मान्य है क्या? दोस्तों, जो पिछली बार एग्जाम हुई थी रीट की, उसमें पहले तो एडिशनल वालों को अलाउ नहीं किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट के थ्रू ये डिसीजन हुआ था कि एडिशनल वालों को भी लेना चाहिए। तो उस डिसीजन के आधार पर अपन ये मैं कह सकता हूँ कि इस बार भी एडिशनल वालों को लिया जाना संभावित है। दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट है दीपक कुमार, ये पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने डी ई डी ग्रेजुएशन के बाद की है, क्या मैं रीट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो दीपक कुमार जी, अगर आप ये जो डीएलएड अगर आपने की है, तो चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद करो या ट्वेल्थ के बाद करो, अगर आपने डीएलएड कर रखी है, तो आप रीट लेवल 1 के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, ये है शिवांगी मित्रा जी, ये पूछ रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट को लैंग्वेज कैसे चूज करनी है? दोस्तों, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो एसएसटी में अप्लाई करेंगे और उनको कोई भी 2 लैंग्वेज लेनी है, वो हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं तो बढ़िया, अगर हिंदी संस्कृत ले सकते हैं तो भी ठीक है, आपको जो कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करनी है वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन आप एसएसटी से अप्लाई करोगे, इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें ये संभावना है कि कॉमर्स वालों को एलिजिबल किया जाएगा। ये जो पिछली रीट की वैकेंसी हुई थी, उसमें ये विसंगति एक थी कि कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी आश्वासन दिया जा चुका है कि कॉमर्स वालों को भी इस बार एसएसटी में लिया जाएगा। तो अगर आप कॉमर्स वालों को लिया जाता है, तो आप कोई भी एसएसटी से एग्जाम दे सकता है अगर उसने बीएड कर रखी है, और कोई भी लैंग्वेज जो उसको आती है, 2 लैंग्वेज कोई भी वो चूज कर सकता है। नेक्स्ट कमेंट है राज जोशी जी, ये पूछ रहे हैं, सर एमए बेस पर बीएड वाले रीट की मेरिट में मान्य होंगे, प्लीज़ रिप्लाई। दोस्तों, ये राज जोशी जी पूछ रहे हैं एमए बेस पर बीएड वाले रीट में मान्य है या नहीं। जो पिछली बार रीट की एग्जाम हुई थी, उसमें भी ये एक विसंगति थी कि जो एमए के बेस पर बीएड कर रहे हैं उनको मान्य नहीं किया था,
लेकिन इस बार जो एग्जाम होगी रीट की, उसमें भी ये विसंगति भी दूर करने की पूरी पूरी संभावना है। तो जो एमए बेस या पीजी बेस के आधार पर जो लोग बीएड या बीएड कर रहे हैं, उनको भी इस बार शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट है राजेश जी जोशी, ये पूछ रहे हैं एनआईओएस से डीएलएड करने वाले रीट लेवल वन में एलिजिबल है क्या? तो अगर आपने कहीं से भी डीएलएड कर रखी है तो आप रीट लेवल वन में बिल्कुल एलिजिबल हो, इसमें कोई शंका नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सीवी श्रीवास्तव, ये पूछ रहे हैं सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है और क्या इसके बाद भी कोई एग्जाम क्लियर करना होता है या इसके बाद डायरेक्ट भर्ती होती है? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रीट की एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और रीट की एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कोई दूसरी अन्य एग्जाम क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। केवल रीट के जो अंक आए हैं उन्हीं के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। तो अगर आप रीट अच्छे अंकों से पास करते हो तब आप टीचर बनने के एलिजिबल हो जाओगे। वैसे इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 60% होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि जी, ये पूछ रहे हैं हेलो सर मैं यूपी से हूँ और मैंने बीएड किया है, तो क्या मैं रीट एग्ज़ाम दे सकती हूँ? अगर आप राजस्थान के बाहर के स्टेट से हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने ये मुद्दा उठाया था कि राजस्थान के बाहर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका वेटेज कम किया जाए। उस बारे में अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप मुझे पता है आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका वेटेज कम किया जाता है तो भी आप एग्जाम तो दे ही सकते हो, और अगर वेटेज कम नहीं किया जाता है तो भी आप एलिजिबल एग्जाम देने के लिए हो। दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है रश्मि चौहान जी, ये पूछ रहे हैं सर बीएड कर रखा है मैं हिंदी सब्जेक्ट से देना चाहती हूँ लेवल 2 से, तो मैं हिंदी लिटरेचर से दे सकती हूँ या सर एसएसटी से ही लेवल 2 देना जरूरी होता है? रश्मि जी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बीएड कर रखा है और अगर आपके ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट था तो ही आप हिंदी लिटरेचर से क्वालिफाई कर पाओगे। हिंदी आप एक सब्जेक्ट तो चूज कर लोगे, लेकिन जब रीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो सब्जेक्ट वाइज टीचर की वैकेंसी निकलती है तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही जिनके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तभी वो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट है तो रीट में आप लैंग्वेज के रूप में एक हिंदी लैंग्वेज चूज करोगे और उसी के आधार पर आप हिंदी के टीचर बन सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही कमेंट में ले रहा हूँ। अगर आपके अभी भी कोई डाउट कोई शंका है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप हमारे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वहाँ से टेलीग्राम नहीं खुलता है तो आप सीधे टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ सर्च कीजिए आधार स्टडी, और वहाँ से भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।